गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग विविध प्रसंग के अंतर्गत जनरल टॉपिक्स यानी इसमें कोई एक विषय वस्तु नहीं है, विभिन्न विषय वस्तुओं का सम्मिश्रण किया हुआ वाक्य है। क्योंकि हम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जो विषय हैं जिनसे हमारा सामना होता है उनके विषय में भरपूर ज्ञान होना चाहिए। हम चूंकि हिंदी भाषी हैं तो उस हिंदी भाषी की बातों को जानने के लिए अंग्रेजी में कैसे उसको वाक्य रचना करें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कैसे आप ग्रीटिंग करेंगे, शॉर्ट स्पीचेस कैसे हैं, कैसे आप एक्सक्लेमेटरी में बोलेंगे, कैसे इंपरेटिव में बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आंसर कैसे देंगे, हॉस्पिटल में कहां बात कैसे बात करेंगे, रेलवे स्टेशन पर, घर पर, नौकर में बात, यानी विभिन्न जगहों पर आपको विभिन्न तरह के वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी यही चल रहा है कि 178 नंबर के वीडियो तक के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह विविध प्रसंग चल रहा है जनरल टॉपिक्स। 42 यानी 42 नंबर का वाक्य, इसके पहले 3 वीडियो इस पर चले बताए जा चुके हैं। क्या तुम 2 दर्जन केले खरीदना चाहते हो? क्या, अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या तुम 2 दर्जन केले खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय 2 dozen बनानास? क्या तुम 2 दर्जन केले खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय 2 dozen बनाना? जरा देखिए, 2 dozen होगा, 100 होगा, स्कोर होगा, 1000 होगा। अगर एडजेक्टिव के रूप में आता है और उसके पहले संख्या यानी बीच में आता है तो 2 dozen का 2 dozens नहीं होता, 100 का 100s नहीं होता। जैसे 2 dozen बनाना या दर्जन या एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला है, यहां एक भेड़ है और वहां एक हिरण, यहां एक भेड़ है वहां एक हिरण, हियर इज ए शिप एंड देयर इज ए डियर, यहां एक भेड़ है और वहां एक हिरण, हियर इज ए शिप एंड देयर इज ए डियर, गडेरिये के पास 20 भेड़े और 2 हिरण हैं, गडेरिये के पास 20 भेड़े और 2 हिरण, दी शेफर्ड हैज 20 sheep, देखिए sheep का sheep नहीं है, sheep एक वचन में भी प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए सीप ही रहता है, डियर एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए, दी शेफर्ड हैज 20 sheep एंड 2 deer, डियर्स नहीं है, डियर, शेफर्ड, दी शेफर्ड हैज 20 sheep एंड 2 deer, जैसे ए sheep इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ मैदान में चल रही है, ए sheep इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक, एक भेड़, और मैं ये 10 भेड़े कहना था 10 sheep आर ग्रेजिंग, तभी sheep ही रहेगा, 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक भेड़ के लिए भी sheep और बहुत सारी भेड़ों के लिए भी sheep ही रहेगा, यस नहीं लगा। वैसे डियर है, एक हिरण के लिए भी डियर और बहुवचन के लिए भी डियर, उसका वेतन कम है, उसका वेतन कम है, हर वेजेस या हिज वेजेस आर लो, वेजेस का प्रयोग अर्थ के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, जब मजदूरी के लिए आएगा तो बहुवचन में होगा, हर वेजेस आर लो, उसका वेतन कम है, हर वेजेज आर लो। सीता और रीता यहां आ रहे हैं, सीता और रीता यहां आ रहे हैं,
सीता एंड रीता आर कमिंग हियर, सीता एंड रीता आर कमिंग हियर, सीता और रीता यहां आ रही हैं, सीता एंड रीता आर कमिंग हियर। छात्रों की संख्या घट रही है, छात्रों की संख्या घट रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, छात्रों की संख्या घट रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं, बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे, बहुत से छात्र आज अनुपस्थित हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टूडे। कल रात को खाने में मछली खाएंगे, कल रात को खाने में मछली खाएंगे। वी विल ईट फिश एट डिनर टुमारो, कल हम रात को खाने में मछली खाएंगे। वी विल ईट फिश एट डिनर टुमारो। मैंने इस पुस्तक को डेढ़ घंटे पढ़ा, मैंने इस पुस्तक को डेढ़ घंटे पढ़ा। दिस बुक टुक मी वन आवर एंड ए हाफ, मैंने इस पुस्तक को डेढ़ घंटे पढ़ा। दिस बुक टुक मी वन आवर एंड ए हाफ, आई रीड दिस बुक इन वन एंड ए हाफ आवर, आई रीड दिस बुक इन वन एंड ए हाफ आवर। यहां देख रहे हैं, मैंने इस पुस्तक को डेढ़ घंटे पढ़ा। इसमें दो तरह से बातें आई हैं, मैंने इस पुस्तक को डेढ़ घंटे पढ़ा, दिस बुक टुक मी वन आवर एंड ए हाफ, और उसी का दूसरा अंग्रेजी है आई रीड दिस बुक इन वन एंड ए हाफ आवर, आई रीड दिस बुक इन वन एंड ए हाफ आवर। अब आइए नोट नंबर एक, संबंध कारक यानी जेनेटिव या पजेसिव केस दर्शाने के लिए अंग्रेजी में एक सरल विधि है। कारक संबंध कारक दी जेनेटिव अथवा पजेसिव केस प्रदर्शित करने के लिए दर्शाने के लिए अंग्रेजी में एक बहुत सरल विधि है जिसे एपोस्ट्रॉफी और यस कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी यस, जिसे एपोस्ट्रॉफी यस कहते। करा अंग्रेजी में पजेसिव केस दर्शाने के एक बहुत सरल नियम है जिसे एपोस्ट्रॉफी यस कहते हैं। जैसे दी बॉय स्पॉइल्ड दी बर्ड्स नेस्ट, देखें बर्ड में एपोस्ट्रॉफी यस लगाया गया है नेस्ट, दी बॉय स्पॉइल्ड दी बर्ड्स नेस्ट, लड़के ने चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर दिया, लड़के ने चिड़िया के घोंसले को नष्ट कर दिया। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब सिंगुलर नंबर के पजेसिव केस को शो करना होता है, दिखाना होता है, तो एपोस्ट्रॉफी लगा के आप यस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कहना हो राम्स पेन, राम की कलम, उसके बाद, या आपने देखा बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का घोंसला। लेकिन ध्यान देने की बात यह कि यदि उस शब्द के बहुवचन के अंत में यस हो, यानी उस शब्द के बहुवचन के अंत में यस हो जिसका कारक बनना है, तो केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे दी बॉय स्क्वायर्ड दी बर्ड्स नेस्ट, लेकिन बर्ड्स चिड़ियाओं का घोंसला, दी बॉय स्क्वायर दी बर्ड्स नेस्ट। करा अगर नाउन का प्लूरल नंबर आया और उसका पजेसिव केस दर्शाना है और उसके अंत में यस है, तो आप उसके बाद केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, यस की कोई जरूरत नहीं होगी। जो निर्जीव पदार्थ के नाम होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रॉफी और यस नहीं लगाते। करा निर्जीव चीजों के लिए, मेज कुर्सी घर इत्यादि के लिए एपोस्ट्रॉफी और यस नहीं लगाया जाता है, सो नहीं किया जाता, वहां
संबंध कारक दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन अव्यय यानी आप का प्रयोग किया जाता है। करण निर्जीव चीजों के साथ एपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाया जाता है पजेसिव केस में। निर्जीव चीजों के लिए प्रीपोजिशन आप का प्रयोग किया जाता है, जैसे द डोर्स ऑफ द गेटवे, द डोर्स ऑफ द गेटवे आर मेड ऑफ आयरन, दरवाजे का फाटक लोहे का बना हुआ है, दरवाजे के फाटक लोहे के बने हुए हैं। द डोर्स ऑफ द गेट, देख रहे हैं आपका प्रयोग किया गया, द डोर्स ऑफ द गेट वे आर मेड ऑफ आयरन, दरवाजे का फाटक लोहे का बना हुआ है। फिर भी इस नियम का अपवाद भी है, जैसे निर्जीव चीज क्या है, वीक हफ्ता या ए वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टी, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, ए मंथ्स पे एक महीने का वेतन, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, ए डे जर्नी एक दिन की यात्रा, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, टू देयर हार्ट्स कंटेंट, हार्ट में एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इन माय माइंड्स आई माइंड में एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन निर्जीव चीज है फिर भी एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है इसलिए वो मुहावरेदार है, सन्स रेस सूरज की किरणें, यानी ये कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जहां पर एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग कर दिया गया। इस तरह से आपने यह देखा कि विविध प्रसंग के अंतर्गत वाक्य कैसे बनाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात पजेसिव केस का निर्माण कैसे किया जाता है। आप भी इसी तरह से पजेसिव केस का निर्माण करके अपने बातचीत की शैली में प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।